हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रजत शर्मा, कैसे हैं आप लोग? रजत, आज हमने हमारे फ्रेंड्स के लिए देखी नेटफ्लिक्स के ऊपर चोक्ड, जो कि अनुराग कश्यप की फिल्म है। और गाइस, मैं फर्स्ट इंस्टेंस पे जो आपसे चीज कहूंगा वो ये कि ये फिल्म एक अच्छी मूवी है जिसको आप देख सकते हैं इस वीकेंड। रजत, इस फिल्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये फिल्म एक्चुअली, फर्स्ट पॉइंट जो इसका मैं कहना चाहूंगा वो ये लालच और धैर्य दो वर्ड्स हैं, ऐसे उन पे बेस लगती है पूरी तरह से। और नोटबंदी का जो टॉपिक इसमें अनुराग कश्यप ने जो चूज किया है और उस पे इन्होंने फिल्म बना के बाद एक्चुअल कमाल कर दिया है। yes. जो अच्छी फिल्म है, देखने को मजा आता है। आप बताएं, हालांकि नोटबंदी पुरानी चीज है। थोड़ा सा आपको स्मोकिंग बता देता हूँ। बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, उनके साथ में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, घर में छोटे छोटे बात पे झगड़े भी चलते रहते हैं हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर इंसान को पैसा चाहिए। एक रात ऐसा कुछ होता है कि घर के अंदर सडनली पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, और जब पानी भर रहा होता है तो अपनी जब वो नाली चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके अंदर किसी ने नाली के अंदर जो है 500,000 की गड्डियों के छोटे छोटे रोल बना के उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से वो चोक हो जाती है। तो यहीं से खेल शुरू होता है पूरा उसका। उसी बीच में जब वो लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और सडनली 2016 के अंदर जो नोटबंदी हुई थी, तो वो अब उनके वो पैसे किसी काम के नहीं रहते, तो मतलब एक तरह से भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है और एक तरह से सब कुछ वहीं वापस भी ले लेता है। तो सबसे स्ट्रेंज बात जो है इस फिल्म की वो ये है जीत, कि अनुराग कश्यप की फिल्म है, अंदर से पूरा ही था कि क्योंकि आजकल उन्होंने एक ट्रेंड बना लिया कि वो एब्यूजिव लैंग्वेज और सेक्स सीन ही डालेंगे, लेकिन ये फिल्म में ना तो कोई गाली है ना कोई सेक्स है, तो ये चीज बहुत, और हाँ, तो इस वजह से आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बड़े आराम से देख सकते हैं। डेफिनेटली रजत देख सकते हैं। और लेकिन रजत, आपको नहीं लगता कि अनुराग अब जो है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी जो फिल्म उनकी थी उनसे बाहर आके कुछ नया सोचने लगी है? मतलब अगर उनको, सिंपल सी बात है, आजकल सबको पता है कि अगर इंडस्ट्री में रहना है तो हर बार नई नई चीज़ें दिखानी पड़ेगी, तभी आप से लोग अटैच रहेंगे। इस फिल्म की स्टोरी निहत भावे ने लिखी है, और अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि ये जो कहानी है ये निहत ने कुछ 7-8 साल पहले लिखी थी, लेकिन लिखी हुई स्टोरी, हाँ, जो लिखी स्टोरी थी वो अनुराग ने क्या किया, उसमें नोटबंदी का एक पॉइंट डाल दिया और उसके बाद ये फिल्म एकदम से एक मसालेदार फिल्म बन गई, जिसको देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और मतलब इंटरेस्ट क्रिएट रहता है टिल द एंड। नीरज, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें कितना मतलब मुझे वो पॉइंट बड़े अच्छे लगे जिसमें दिखाया है कि एक अनएम्प्लॉयड हस्बैंड है और एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, वाइफ है जो पूरा दिन जो बैंक में जॉब करती है और पूरा दिन काम करती है, और किस तरह से उसमें दिखाया है कि नोटबंदी का टाइम भी इसमें बहुत अच्छा दिखाया है कि कैसे लोग बैंक की तरफ भाग रहे हैं, लाइंस में खड़े हैं। खैर, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी उन्होंने लगी कि अनुराग ने बड़ा अच्छा पिक्चराइजेशन इसमें किया है। एक बात है जीत, अगर ये फिल्म सिनेमा में लगती तो क्या सेंसर इसे पास करता, ये मेरा क्वेश्चन है। रजत, आपको लगता है ऐसा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, क्वेश्चन आपका जेन्युइन है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता। लेकिन हालांकि इन्होंने ऑनलाइन रिलीज करके भी रजत कोई गलती नहीं करी। आपको क्या लगता है कि आजकल ओटीटी का तो खैर अब ऐसा लग गया है कि एक दौर सही आ गया, ओटीटी में कोई सेंसरशिप चाहिए नहीं होती, और जो आपका जो भी आपके थॉट्स हैं उनको आप खुल के दिखा सकते हैं सबके लोग, हाँ, इजीली आप अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी रजत, देखिए स्टारिंग के बारे में कुछ बताएं, कौन कौन है इसमें? स्टारिंग जो है सयामी खेर, और ये सयामी खेर वही है जिन्होंने अपना डेब्यू किया था, मिर्जिया मूवी आई थी हर्षवर्धन कपूर के साथ, और दूसरा उनका जो साथ दिया वो दिया है रोशन मैथ्यू ने, तो रोशन मैथ्यू, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, काफी अच्छे लगे हैं वो, हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि सयामी जो है मतलब ये उनकी बेस्ट फिल्म काज कह सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी और खुल के एक्टिंग की। हाँ रजत, लेकिन आपने सयामी को, आपको याद हुआ कि हमने हॉटस्टार स्पेशल्स के ऊपर स्पेशल ऑप्स एक अभी आया था कुछ दिनों पहले, वो भी देखा था, नीरज पांडे उसमें भी थी एक रोल में, हाँ, नीरज पांडे का स्पेशल ऑप्स आया था उसमें भी थी वो सयानी, और उसमें भी वो ठीक लगी थी, मतलब उनका रोल अच्छा था, नो डाउट। और बताएं रजत, इसमें
और बाकी तो बस मैं यही कहूंगा कि जो सिनेमा फोटोग्राफी है उसकी मैं बहुत तारीफ करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कैमरा एंगल्स लिए गए हैं और जिन्होंने लिए हैं उनका नाम है सिल्वेस्टर फोंसेका, तो उनका काम देखते ही बनता है, मतलब बहुत बढ़िया काम किया। और आप ना फर्स्ट सीन से आपको ये लगेगा कि आप उस घर के अंदर हो और वो मतलब आप पूरी एक एक चीज को आप महसूस करोगे, तो ये नहीं आप फील करेंगे रजत इसमें, नहीं श्योर शॉट इसमें ऑडियंस एक्चुअली अपना अपने आप को हिस्सा समझेगी उस घर का। और कर्ष काले का म्यूजिक इसमें जो स्कोर है और म्यूजिक है वो भी काफी अच्छा लगा मुझे इसमें। वेल ओवरऑल आप कह सकते हैं इट्स अ नाइस वॉच। और अगर रेटिंग की बात करें रजत तो हमारी तरफ से 3 रेटिंग मैं देना चाहूंगा इसको आउट ऑफ 5। बाकी गाइज आप लोग देखें, हाँ डेफिनेटली रिजर्व करती है, आप इसको देखें, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, आप देखें और हमें प्लीज बताइएगा कि आपको जो कैसी लगी। और ये आपको अनुराग कश्यप का टेक जो उन्होंने नोटबंदी पे लिया है जो जो वो कैसा लगा आपको, तो ओके रजत प्लीज गाइस प्लीज सब्सक्राइब हमें, सजेशंस हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में। ओके बाय ऑलराइट टिल देन गुड बाय।